हेलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक फार्मर्स तक ये वीडियो पहुँचे। जो लोग इतना सारा पैसा खर्च करके मल्च मैट्स लगा रहे हैं, ऐसा ना हो कि उन्होंने थोड़ी सी लापरवाही या ध्यान ना देने की वजह से उनके जो नए ऑर्चर्ड्स है या पुराने ऑर्चर्ड्स है उसमें कोई दिक्कत आए मल्ची मैट मैट्स की वजह से। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक। हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटी ऑफ नेचर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो है वो है मल्च मैट से रिगार्डिंग। जो लोग मल्च मैट लगा चुके हैं या फिर लगाने वाले हैं, क्योंकि पिछले 1-2 सालों से मल्च मैट्स लगाने का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि जो अनवांटेड घास हमारे तौलियों पे उग जाती है उसको निकालने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती थी और टाइम स्पेंड भी बहुत ज़्यादा होता था। तो उससे निजात पाने के लिए मल्च मैट्स का यूज़ किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है अब मैट लगाने का जो भी प्रचलन है, ताकि जो घास है और साथ में मॉइस्चर भी बना रहे हमारे सॉइल में। इसके साथ मैंने भी लास्ट ईयर इसमें मई या जून के आसपास मैट्स लगाए थे इस ऑर्चर्ड में, तो उसमें मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं था क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे देखे भी नहीं थे किसी के ऑर्चर्ड में। लेकिन आज मैं अपने ऑर्चर्ड में समर प्रूनिंग कर रहा था, तो मैंने बाय चांस ऐसे ही जो तने के साथ वाला पोर्शन है जहाँ पे ये मैट लगा होता है, जैसे ये देखिए इस पोर्शन को थोड़ा सा, जैसे ये पीछे मैट बिल्कुल टच हो रखा है, अगर देख पा रहे हो आप, ये देखिए बिल्कुल टच हो पा रहा है। यहाँ आगे ये ओपन है तो यहाँ आगे कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, ये देखिए आपको मैं दोबारा से दिखाता हूँ, इसको ओपन करके दिखाता हूँ पूरा। ये देखिए यहाँ पे इसके ऊपर मैट आ रखा हुआ था, ये पोर्शन है, तो आप देख सकते हो कि वुली एफल एफिड के लिए जो ये मैट है ये सबसे अच्छा साधन लगा है मुझे पनपने के लिए, क्योंकि इसमें मॉइस्चर भी बना रहता है और ज़्यादा धूप भी नहीं लगती, तो जहाँ पे नमी रहती है वहाँ पे ये सारी चीज़ें होने के संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये मैट्स थोड़े इस तरह से लगाए कि यहाँ पे थोड़ा सा तने से 1-2-3 इंच का स्पेस बना रहे, ताकि ये वाली समस्या ना रहे। और साथ में एक चीज़ और भी है, इसके अगर बिल्कुल ज़्यादा क्लोज आएगा तो यहाँ पे आपके कॉलर रॉट की प्रॉब्लम भी रह सकती है, या क्राउन गॉल भी बोलते हैं जिसे, तो उसकी भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये लगा रहेगा तो इस तरह से यहाँ पे मॉइस्चर रहेगा जो कि आपकी स्किन ख़राब करेगी, आपके तने की, आपके सेबों के तने की। तो दूसरी बात है कि मैट जब भी आप लगाओ तो ध्यान रखना कि जो ये वाला स्पेस है जो यहाँ पे ओपन रहता है, जहाँ पे ये कट दिया होता है, यहाँ पे घास भी उगती है, और ये इसको अगर हम बंद करेंगे तो कॉलर रॉट और रूट रॉट की समस्या रह सकती है। इसको हमने थोड़ा सा ओपन ही रहने देना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे क्या है, जैसे आजकल गर्मियाँ शुरू हो चुकी है और जो लाइट के पास हमारे हमारे गेल बोलते हैं उनको, जो कि अंडे देती है जिससे कि आपका रूट बोरर पनपता है, उसका जो सबसे अच्छा जगह जो उसके लिए बनती है ये वाली रहती है जब से हमने मैट्स लगाए हैं, क्योंकि वो यहाँ पर आकर अपने अंडे छोड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे धूप भी नहीं लगती और मॉइस्चर भी रहता है, ठंडक भी रहती है, और सबसे नज़दीक भी यही पोर्शन रहता है उनको अटैक करने के लिए। तो ये ध्यान रहे कि जब भी आप मैट लगाओ तो ये वाला जैसे पोर्शन ओपन है, ये तो ओपन रहेगा ही, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जुलाई अगस्त के मंथ में इसमें ज़रूर ड्रेंचिंग की जाए, अपने पौधों को प्रॉपरली विजिट करें कि कोई वुलिया पलाफेट या फिर कोई इस जो रूट बोरर जो आपके तनों में भी छेद कर देती है वो तो नहीं पनप रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे वो गेल भी मिले हैं, काफ़ी सारे प्लांट्स में बोरर ने छेद कर दिया है बुरी तरह से। तो अब उसके लिए हमने उसको इंजेक्शन के थ्रू हम उसमें
अपना कोई भी इंसेक्टिसाइड जैसे डोरमेट वगैरह हम उसमें डालेंगे और उस छेद को बंद कर देंगे। और साथ में इसके लिए भी हमें ड्रिंचिंग करनी पड़ेगी इंसेक्टिसाइड की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है कई प्लांट्स में जहाँ पे ये बिल्कुल टच हो रखा है। देखते ज़रा दूसरा पेड़ दिखाता हूँ मैं आपको। अब मैं दूसरे पेड़ के पास आ गया हूँ। यहाँ पे भी हमने भी ये सोच के रखा था कि इतना प्रोटेक्ट रहेगा यहाँ पर, तो जैसे कि ये वाली साइड है बिल्कुल तने से चिपकी हुई है। अब इसको भी खोल के देखते हैं। ये देखिए मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा जो गहरा करके था, यहाँ पे शेड काफ़ी थी, तो यहाँ पे देखिए आप उलिया पल एफिड तो पनप ही रहा है। साथ में अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बिल्कुल स्किन से टच था इधर तक, तो आप यहाँ देखोगे तो कितना मॉइस्चर है आपके तने में, जो कि आपकी रूट रॉट की समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि हमें तने के आसपास इतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए होता है, क्योंकि इससे ही आपका रूट रॉट पनपने की, इस मॉइस्चर की वजह से सहायता मिलती है। तो हमने थोड़ा इसे दूर रखना है इस वाले पोर्शन को, और साथ में इस वाले पोर्शन में हमने ड्रिंचिंग लगातार करते रहना है, क्योंकि रूट बोरर के लिए सबसे अच्छा पॉइंट यही है, क्योंकि इसके नीचे उनको इस पोर्शन पे उनकी मादा अंडे देती है और यहाँ पे छांव भी रहती है, और वो डायरेक्ट सीधा यहाँ पे नुकसान करना शुरू कर देते हैं। तो मैं देखता हूँ ज़रा अगर कोई रूट बोरर वाला मिलता है। ये देखिए फ्रेंड्स, जिसकी मैं बात कर रहा था, ये यहाँ पर इसका सबसे अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे अंडे, जिसकी मादा है, अंडे देती है इस पॉइंट पे, और साथ में वो एकदम से, ये देखिए अभी ताज़ा ताज़ा नया नया ही बोरर लगा है, क्योंकि बोरर जितना बड़ा होता है तो जो ये पीछे ये छोड़ जाता है वो ज़्यादा मोटे साइज़ का होता है, तो अभी बारीक सा है, तो ये अभी कुछ हफ्ते पहले ही एंटर हुआ है इसमें। तो ये ध्यान हमें रखना है अपने जहाँ पे हम मैट्स लगा रहे हैं, क्योंकि ये आपके फसलों को ख़राब कर सकती है। और मैं आपको इसके सबूत दिखाता हूँ मादा के। ये देखिए जो गेल होता है उसके अवशेष, अंडे देकर वो यहीं पे ही मर गया है। तो ये थोड़ी सी चुनौती है मैट्स में, जो साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर रहे थे, ये एक साइड इफ़ेक्ट्स है। ये देखिए पीछे आपका वुलिया फल एफिड भी है। तो अब इसमें हमने, जैसे ये एंटर हो चुका है, अब इसमें हमने जैसे सिरिंज वगैरह लेके हमने इसमें अंदर डोरमेट या कोई भी और इंसेक्टिसाइड डालना है, और इसको बाहर से चिकनी मिट्टी गीली करके हमने इसको लेप लगा देना है। अगर कोई छोटे प्लांट्स है जिसमें रिंग है, तो उसमें आप प्लास्टिक बांध सकते हो, चारों तरफ से उसमें प्लास्टिक बांधना है। अगर कोई छोटे प्लांट है जो बारीक है, उसमें आप प्लास्टिक बांध सकते हो, क्योंकि उसमें रिंग बनता है और बड़े पेड़ों में ये सीधा अंदर घुसता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अब मुझे भी इसमें ड्रिंचिंग करनी पड़ेगी एक दो दिन में ही, क्योंकि इसमें वुलिया पल एफिड की समस्या काफ़ी हो गई है, क्योंकि हमने भी ऐसा ध्यान नहीं दिया था कि ऐसी कुछ समस्या आने वाली है इसमें। तो आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।